जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 2022 नाविक GDDB यांत्रिक की पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, कुछ लोगों को जो सवाल रहता है कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, सेक्शनल वाइज पास कट ऑफ क्या रहती है, और हर एक सेक्शन में पास होना होता है क्या नहीं होना होता है। जैसे आपका GD मान के चलिए कि सिर्फ आप DB को छोड़ दीजिए, जिसमें आपका सिर्फ सेक्शन फर्स्ट होता है, इसको छोड़ के चाहे DB ले लें चाहे यांत्रिक ले लें, इसमें आपके हर एक सेक्शन में GD में बोलो तो फर्स्ट प्लस सेकंड आपका होता है, और यांत्रिक में आपकी ट्रेड के हिसाब से इलेक्ट्रिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ट्रेड के हिसाब से आपके पोर्शन बटे हुए होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट थर्ड होता है, फर्स्ट फोर्थ होता है, और फर्स्ट फिफ्थ होता है। तो इस हिसाब से आपके पोर्शन बटे हुए होते हैं यांत्रिक में। निकल आपका हर एक पोस्ट पे अगर आप जाएंगे GD पे तो दो सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, यांत्रिक पे जाएंगे तो ट्रेड के हिसाब से सब में दो दो सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे एक जो आपका क्वेश्चन जो क्रिएट होता है, क्या हर एक सेक्शन में पास होना कंपलसरी। जैसे GD में अगर हम सेक्शन फर्स्ट में मेरे काफी अच्छे नंबर आएंगे 55 मान के चलिए, और वही सेक्शन सेकंड में मेरे 19 नंबर रह गए, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आपको। सुबह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस पहले वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, इसके लिए जहां पर आपका हर एक डाउट्स क्लियर होगा, उसके लिए हमें इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो आपका आया था, ऑफिशियल न्यूज आई थी, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो वहीं चलकर पूरी बात करेंगे। यहां पर हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं ये आपकी जो नया एडवर्टाइजमेंट 02/2022 बैच का, ये नई वैकेंसी का, उसी के ऊपर आए हैं, जिसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आपके चलेंगे। अभी तक आपने अगर एप्लीकेशन को फिल नहीं किया तो एक बार जरूर कर दें। इस वजह से कर दें क्योंकि 10 जनवरी के पहले करना बहुत कंपलसरी है। लास्ट के 4 दिन जो होते हैं, 4 डेज होते हैं, बहुत साइट स्लो चलती है इंडियन कोस्ट गार्ड की, अक्सर साइट लास्ट के 4 दिनों में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो अपनी जल्द 10 जनवरी के पहले अपना एप्लीकेशन फिल करवा लें। देखिए, एक बार यहाँ पर पोस्ट पे हम जरूर रुकेंगे, क्योंकि पोस्ट पर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पोस्ट का होता है, कि पोस्ट जो आपकी है, हम ओवरऑल बात करेंगे तो GD की बात करें अगर आपकी जनरल ड्यूटी की तो 260 है, आपकी डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो आपकी 35 यानी 35 है, और यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो आपकी 13 13 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपकी 9, और वही इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपकी 5। देखिए, ये आपकी यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज देखने को मिल जाएगी। आपकी अनरिजर्व है 112 यानी ये आपकी EW के लिए 28, OBC के लिए 72, ST के लिए 11 एंड SC के लिए 37, और टोटल आपकी 260, ये आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एज लिमिट, और एक बार आप समझ लें कि एज लिमिट अगर आपकी इन दो डेट्स के बीच में अगर आपकी एज लिमिट आती है या इन्हीं डेट के ऊपर आपकी एज आती है तो आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है वो किसके लिए है, तो 5 ईयर्स का SC ST के लिए है, और 3 ईयर्स का OBC नॉन क्रीमी के लिए है, जिसके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है, और नॉन क्रीमी वालों के लिए। ओबीसी का जो नॉन क्रीमी दो कैटेगरीज में जो डिवाइड है, क्रीमी नॉन क्रीमी, तो सिर्फ नॉन क्रीमी वालों के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो अब आपका यहाँ पर डाउट्स नहीं होना चाहिए एज को लेकर। अब बात करेंगे हम आपके सेक्शन को लेकर। देखिए, पूरा यहाँ पर जब तक एक बार क्लियर नहीं होता तब तक डाउट्स बने रहते हैं कि क्या कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, देखिए अगर हम वही नाबिक DB की बात करें, डोमेस्टिक ब्रांच जो आपकी 10th लेवल की होती है, सेक्शन फर्स्ट इसमें आपका पूछा जाता है। सिलेबस का पूरा मैंने पहले डिटेल वाइज 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो में बना चुका हूँ, इसमें आपको एक एक चैप्टर वाइज समझाया गया है काफी अच्छे से, तो आप वो जाके आप देख सकते हैं। देखिए, सेक्शन फर्स्ट आपसे पूछा जाता है। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे 60 नंबर के। पासिंग क्राइटेरिया की बात कर लें तो पासिंग क्राइटेरिया आपका 30 नंबर रहता है अनरिजर्व के लिए। देखिए, 30 नंबर आपका रहता है अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए, और 27 आपका SC ST कैटेगरी। ये सिर्फ आपका एक पासिंग क्राइटेरिया रहता है, जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया, इतने नंबर आपको लाने ही लाने हैं। आगे भी बात करेंगे क्या कम नंबर रहते हैं तो सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, ऐसा बात करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज पास होना रहता है क्या नहीं रहता, जैसे 5 सब्जेक्ट आपकी सेक्शन फर्स्ट में आते हैं, रीजनिंग होती है, साइंस होती है, मैथ होती है, GK होती है, और आपकी इंग्लिश, तो क्या सब्जेक्ट वाइज भी पास होना होता है। तो यहाँ पर आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नाबिक GD की बात करें तो आपका सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड, ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो आपकी 110, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट में आपके आते हैं 60 और सेक्शन सेकंड में आपके 50, तो 110 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके 110 मार्क के। पासिंग की बात करें तो आपका वही सीन रहेगा कि 30 सेक्शन फर्स्ट में और आपके सेक्शन सेकंड में 20, ओवरऑल बात करें तो 50 आपके मार्क्स रहने चाहिए अनरिजर्व EWS OBC के लिए। यहाँ पर देखिए, ये पासिंग क्राइटेरिया पर आप कंफ्यूजन ना हो कि OBC वालों के लिए नॉन क्रीमी का
और क्रीमी वालों के लिए पासिंग क्राइटेरिया अलग रहता है, पासिंग क्राइटेरिया सेम रहता है, सिर्फ कट ऑफ में डिफरेंस आता है, दो दो तीन नंबर चार नंबर का जितने का आए। और एस सी एस टी वालों की बात करें तो 44 नंबर चाहिए उनको नाभिक जी डी के लिए। अब बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की, तो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सेक्शन आपका फर्स्ट प्लस थर्ड होता है, और आपकी जो टोटल जो पासिंग कटाई रहता है फर्स्ट में आपका 30, वही सेक्शन फर्स्ट जो आपका कॉमन है सभी में, और थर्ड में आपका 20, इसमें भी आपके क्वेश्चन जो होते हैं 110 आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करें अगर आपके एस सी एंड एस टी कैटेगरी की, तो यहाँ पर देखिए 44 नंबर चाहिए आपको यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए है ये आपकी। उसके बाद बात करें हम आपकी यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो फर्स्ट प्लस फोर्थ आपका सेक्शन होता है, पासिंग क्राइटेरिया वही आपका सेम रहता है ऊपर वाला 50 नंबर आपको अनरिजर्व, 30+20, 50 अनरिजर्व ईडब्ल्यू एस ओबीसी और 44 आपके एस सी एंड एस टी वालों के लिए। उसके बाद बात करें यांत्रिक मैकेनिकल की, तो फर्स्ट प्लस फिफ्थ सेक्शन आपका रहता है, पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो 50 अनरिजर्व ईडब्ल्यू एस ओबीसी के लिए और एस सी एस टी के लिए 44। अब यहाँ पर आपका एक डाउट्स क्लियर होगा कि जो सवाल भी रहता है कि अगर हम जैसे सेक्शन फर्स्ट में पास, जैसे हमने जीडी का एग्जाम दिया, मान के चलिए कि हमने जीडी का एग्जाम दिया और सेक्शन फर्स्ट में हमारे 30 मार्क जैसे पासिंग रहता है, सिर्फ जीडी में 30 मार्क ये हमने पास कर लिया 30, और सेक्शन से जो आपका ये सेक्शन फर्स्ट का सेक्शन सेकंड का 20 मेरे मार्क आ गई, यानी कि ओवरऑल हम पास पास हो गए 50 नंबर के साथ में। ये बात ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरीज को समझ सकते हैं कि अगर हम 50 नंबर हमारे आ गए तो क्या हमारा सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा? नहीं होगा आपका सिलेक्शन, ये सिर्फ आपका जीडी के लिए एक पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है 50 मार्क का अनरिजर्व ईडब्ल्यू एस ओबीसी, वही 44 जो आपका एस सी एस टी वालों के लिए, वही सीन यहाँ पर कि सिर्फ आपका ये एक पासिंग क्राइटेरिया है। कट ऑफ जो बनती है आपकी वो फिर अपने हिसाब से वो लोग निर्धारित करते हैं कि हमको 67 कट ऑफ देनी है या 75 कट ऑफ देनी है, क्योंकि ये आपकी 2021 में गई थी सेकेंड बैच में, और ये आपकी 2022 के फर्स्ट बैच में। तो कट ऑफ भी आप जान सकते हैं, कट ऑफ का भी बहुत बड़ा पोस्ट के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से रोल रहता है। तो जो आपके ये आप मार्क देख रहे होंगे, जो ये सिर्फ आपकी पासिंग है, अगर आपके इन मार्क से कम आते हैं तो आप पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं अपना कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब वही बात करना कि अगर आपकी सेक्शन जैसे आपका अच्छा है सेक्शन फर्स्ट, और आपने उसमें खूब अच्छे से 55 मार्क अपने अपने ला दिए, उसके बाद सेक्शन सेकंड में सिर्फ आपके 19 नंबर आए, मान के चलिए सपोज दैट आपके 19 नंबर आए, 20 नहीं आए, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? फिर भले ही आप ओवरऑल कट ऑफ पार हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको यहाँ पर भी 20 नंबर चाहिए ही चाहिए, 19 में आपका नहीं होगा। और वही सीन रहेगा आपके सेक्शन फर्स्ट का, अगर आपके यहाँ पर 29 हो जाते हैं, यहाँ पर भले ही आपके सेक्शन सेकंड में 50 नंबर आ जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको जो आपका उनका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 30 और 20 नंबर वाला, ये पासिंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर अब आपका डाउट नहीं होगा, और मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि आपको सेक्शन वाइज पास होना कंपलसरी है, पास होना कंपलसरी है सेक्शन वाइज, तो आप निश्चिंत हो जाए, यहाँ पर आपका डाउट्स ना रहे कि भाई सेक्शन में अगर हम एक सेक्शन पास हो जाते हैं दूसरे में नहीं होते तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, आपको 100% दोनों सेक्शन में पास होना होगा, ओवरऑल तो आपको 50 मार्क के साथ पास होना ही होगा, मैं सिर्फ जीडी अभी बात कर रहा हूँ, वही आपको ओवरऑल 30 DB में पास होना ही होगा, लेकिन आपको कट ऑफ भी यहाँ की क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जो ICG वाले यानी इंडियन कोस्ट वाले अपनी फाइनल करेंगे कट ऑफ। तो यहाँ पर जितने भी डाउट्स थे आपके यहाँ पर क्लियर हो गए, मैंने आपको समझा दिया क्या आपका पासिंग क्राइटेरिया रहेगा, आपके कैटेगरीज वाइज क्या पासिंग क्राइटेरिया रहेगा, और आपको सेक्शन वाइज पास होना है, तो हर एक सेक्शन में आपको पास होना है, चाहे आप फिर डीबी के लिए करें तो सिर्फ आपका सेक्शन फर्स्ट में क्वालिफाई होना जरूरी है, वो भी 30 नंबर के साथ, ये आपका पासिंग है। उसके बाद कट ऑफ जो होगा वो आपको देखा जाएगा। जीडी की बात करो, सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड का पासिंग क्राइटेरिया आपको ओवरऑल भी पास करना होगा और आपको सेक्शन वाइज भी पास करना होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ पर 31 मार्क्स आ गए और यहाँ पर आपके 19 नंबर रह गए सेक्शन, तो आप भले ही आपका 50 हो रहा हो ओवरऑल, पर ओवरऑल नहीं, पर आपको 30 और 20 चाहिए ही चाहिए, ये आपका एक पासिंग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स थे पासिंग को लेकर और आपकी सेक्शनल वाइज पासिंग क्राइटेरिया लेकर आपके यहाँ क्लियर हो गए। अब अगर अब भी आपका कोई डाउट्स वगैरह रह गया हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब मिलेगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।